Welcome to Global Enterprise Hub. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने जिनके राशन कार्ड में आधार कार्ड नहीं जुड़ा हुआ उनका नाम हटा दिया है। जी दोस्तों, आप ही अपने फैमिली मेम्बर को चेक कर लीजिए, कहीं उनका नाम तो नहीं डिलीट हो गया है। दोस्तों, ये कौन से राशन कार्ड से नाम डिलीट हुआ है? ये उन्हीं राशन कार्ड से नाम डिलीट हुआ है जिनके राशन कार्ड में गेहूँ मिलता है, मतलब जिनको राशन मिलता है उन्हीं के नाम से, उन्हीं के राशन कार्ड से नाम डिलीट हुआ है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है? काफ़ी कस्टमर है हमारे ऑफिस के, वो बोल रहे हैं, सर हम जब गेहूँ लेने जाते हैं तो हम पूरे 7 मेंबर है, लेकिन हमको केवल 4 मेंबर को ही गेहूँ मिलता है। तो कैसे चेक करते हैं? आप सीधे गूगल भाई में जाइए। गूगल भाई में जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिर्फ लिखना है फूड राशन कार्ड, फूड राशन कार्ड और राजस्थान पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप राजस्थान पे क्लिक करोगे तो आपको जिला चूज करना है। जिला यहाँ मैंने चूज कर लिया है। साथ में आप यहाँ पे राशन कार्ड नंबर लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप राशन कार्ड नंबर लगा दीजिए और उसके बाद में नीचे की तरफ लिखा हुआ है खोजे। खोजे पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपकी यहाँ कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। कंप्लीट डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुलता है जिसमें ऊपर की तरफ राशन कार्ड नंबर आ जाता है और आपका राशन कार्ड टाइप कौन सा, APL या BPL है। तो यहाँ पे तीसरी बात दिखाई जाती है कि आपको राशन कार्ड में गेहूँ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो यहाँ पे नोट अवेलेबल दे रखा है, इसका मतलब इनको गेहूँ नहीं मिलता है। तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आपको गेहूँ मिलता है तो यहाँ पे आपके 7 मेंबर लिस्ट रहेगी जिसमें आपको 3 मेंबर को मिल रहा है, बाकी मेंबर को गेहूँ नहीं मिल रहा है। आखिरकार इसका समाधान क्या? आप इन मेंबर को वापस कैसे जुड़ा जाए? हर आदमी जन्म प्रमाण पत्र लेके तो नहीं जुड़ा सकते, इसलिए सरकार ने एक नई मुहिम चालू की है जिसके अंतर्गत आपको एक फॉर्म लेना है। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, आपके ग्राम पंचायत या आपके नगर पालिका से इस फॉर्म को सिग्नेचर करवा के आपको ई मित्र वाले से ये आपका नाम वापस जुड़वा लेना। तो आप इसको कैसे जुड़वाओगे, ऑनलाइन कैसे करेंगे इस फॉर्म को, वो तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग ऑफलाइन पे कैसे काम करना है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि अगर आप ग्राम पंचायत से हो तो अगर आपको यहाँ पे अपने ग्राम पंचायत का नाम देना है, ग्राम पंचायत का नाम देने के बाद में जैसे कि हमारे ग्राम पंचायत यहाँ पे लिखी हुई है और उसके बाद में आपको उपरोक्त विषय का निवेदन है कि प्राति मतलब राशन कार्ड में मुखिया को ना मुखिया का नाम देना है और मुखिया के जो पिताजी है उनका यहाँ पे नाम देना है। आपकी ग्राम पंचायत क्या है उन ग्राम पंचायत का यहाँ पे आपको नाम देना है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट आपका यहाँ पे राशन कार्ड नंबर देना है। अब यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है कि आपका नाम हटा दिया गया और उसको वापस जोड़ा जाए। नीचे की तरफ यहाँ आपको एक मुख्य बातें लिखी हुई है जिसमें लिखा गया है कि आपका राशन कार्ड की कॉपी और नाम हटाए गए सदस्य का नाम और आधार नंबर फोटोकॉपी सहित करें। यहाँ पे आपका ग्राम सेवा के सिग्नेचर करवाने हैं और आपको ये ई मित्रा पे लेके जाना है। इसी के साथ साथ ये फॉर्म प्लस राशन कार्ड और सभी जो सदस्य हैं जिनके नाम हट गए हैं उनका भी आधार कार्ड साथ में लेके जाना है। उसके बाद में आपको 3 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर आप वापस चेक कीजिए। चेक करने के बाद में आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे आपका नाम वापस ऐड हो गया। लेकिन यहाँ ऐड होने के बाद में भी दोस्तों आपको राशन कार्ड में गेहूँ नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा दोस्तों कि आपको यहाँ नाम जुड़ाने के बाद में आपको राशन कार्ड में ई मित्र को बोलना है कि हमें अपने आधार कार्ड को सीडिंग किया जाए। सीडिंग का मतलब होता है कि आपके आधार कार्ड अपने राशन कार्ड से जोड़ा जाए। तो इसी के साथ साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है और आगे हम लोग ऑनलाइन कैसे करेंगे आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियोज आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।